हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का कुनबा लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। बीजेपी के महासदस्यता अभियान से बड़े बड़े चेहरों के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और यही एंट्री नमो के बाद मनो बनाने की तैयारी में है। क्योंकि इस सिलसिले में और भी कई नाम जुड़ रहे हैं। खेल जगत का बड़ा चेहरा महावीर और बबीता फोगाट के सरिया हो चुके हैं, लेकिन बड़े चेहरों पर दाव लगाने का बीजेपी का मास्टर प्लान विधानसभा में क्या कामयाब हो पाएगा? जरा सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा। तो बीजेपी ने नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए महासदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन बीजेपी का राजनीतिक फोकस हमेशा से उन बड़े चेहरों पर रहा जो चेहरे सीधे जनता के दिलों में बसे हों। ऐसा कोई चेहरा हो जिन्होंने देश का नाम और मान सम्मान बढ़ाया हो, तो चाहे वो कोई सितारा हो या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कई बड़े बड़े नामों पर दांव खेला। सनी देओल, गौतम गंभीर, रवि किशन, सपना चौधरी से लेकर अब बबीता फोगाट और महावीर फोगाट ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनावों में पहले ही हो चुका है। अब विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी दोबारा इसी दांव पर भरोसा जता रही है। भले ही कई बड़े चेहरों ने बीजेपी को पहली पसंद के तौर पर चुना हो, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी पहली पसंद बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां रही। ऐसे लोग जिन्होंने पहले तो किसी और पार्टी पर भरोसा जताया, लेकिन चुनावों के बाद उस पार्टी पर से उनका भरोसा उठ गया और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने जो पुलवामा घटना हुई उसके बाद तुरंत बदला लिया, और जो अब जो 370 धारा 35A हटाना, ये मेरे को नहीं सारी दुनिया को प्रभावित किया। जो आज तक ये इतिहास है, सारी दुनिया में जो काम किया है कोई कर नहीं सकता था। इधर बहुत ही आदर और सम्मान के योग यहाँ पर विराजमान हमारे खेल मंत्री जी किरण रिजिजू, अनिल जैन जी और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो सम्मान प्यार मुझे के साथ मुझे इस परिवार से जोड़ा है। और मैं बहुत कहूंगी कि मैं नरेंद्र मोदी सर की मैं बहुत बड़ी फैन, आज से नहीं, मैं बहुत सालों पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री जब वो बने थे तब से मैं उनकी फैन हूं और उनके कार्यों से मैं प्रभावित थी, और क्योंकि गेम में मैं थी इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं मुझे इस परिवार से बीजेपी परिवार से जुड़ के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। भले ही बीजेपी की नीतियां कई बड़े चेहरों को पार्टी की तरफ खींच लाई हो, लेकिन बीजेपी भली भांति जानती है और समझती है कि कैसे किस सदस्य को पार्टी में जोड़कर रखना है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीजेपी की समझदारी। जब जब किसी बड़े चेहरे ने बीजेपी की सदस्यता ली है, उस वक्त या तो खुद सीएम या फिर प्रदेश का अहम मंत्री सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए वहां मौजूद रहा। सोमवार को भी केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल जगत के बड़े चेहरों महावीर फोगाट और बबीता फोगाट को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। बबीता पूरा भारत के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देने वाले एक खिलाड़ी रही हैं और अभी भी बहुत एक्टिव हैं और पार्टी में आकर के भी खेल सकते हैं। जैसे मैरी कॉम एमपी बने हैं, खेलती हैं,
और कुछ लोग खेल छोड़ने के बाद भी खेल में जुड़े रहते हैं, कोचिंग के रूप में, प्रेरणा के रूप में, अन्य कार्यक्रम के रूप में, किसी ना किसी तरह से वो खेल में जुड़े रहते हैं। वैसे ही बबीता, मैं मानता हूं कि वो बीजेपी का सदस्यता लेने के बाद पार्टी के लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी, लेकिन खेल जगत को आगे बढ़ाने के लिए खेल जगत में रहेगी। उसके लिए मैं खेल मंत्रालय की ओर से और मैं खेल भारत सरकार का खेल मंत्री होने के नाते मैं भरपूर उसको उपयोग करूंगा। बबीता का जो टैलेंट है उसको मैं खेल को प्रोत्साहन करने के लिए अपने जो भी हो सकते हैं मैं उसका इस्तेमाल करूंगा ताकि जो आने वाला पीढ़ी है उससे फायदा हो सके। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन दावा कर रहे हैं कि लोग पार्टी के नेता की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लग भी ऐसा ही रहा है क्योंकि लगातार जो नेता शामिल हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि या तो वो मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं या फिर वो मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, प्रभावित हैं, इसीलिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि सदस्यता अभियान के रास्ते बीजेपी दूसरी पार्टियों के जड़ों पर आघात कर रही है जिसका फायदा उसे आने वाले चुनावों में मिलेगा। यहाँ के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की प्रगति हो रही है और उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देने वाले लोगों का तांता लगा है। इसके बावजूद आज एक युवा आइकॉन बबीता फोगाट और इस युवा को रचने, बनाने, सजाने और संवारने की जिनकी जिम्मेदारी, ऐसे श्री महावीर जी फोगाट जो उन दोनों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केंद्रीय पार्टी की ओर से मैं आप दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जैसा बोला गया था आज हालात वैसे ही हैं। जैसे मोदी सुनामी में लोकसभा चुनाव पूरा साफ हो गया वैसे ही मोदी की चुंबक नीतियों में बड़े बड़े चेहरे खींचे चले आए। ठीक यही हाल हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भी देखने को मिल रहा है। तब नमो नमो हो रहा था, अब मनो मनो हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो रिपोर्ट आपको दिखाई है लेकिन चर्चा की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जरा आज का सवाल भी आपको दिखा देते हैं। और आज का सवाल क्या है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, पार्टी में शामिल हो रहे सभी नेताओं को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए क्या आसान होगा? यदि आपको लगता है कि हाँ ये आसान होगा तो यस टाइप कीजिए, और यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो नो टाइप कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिए। और इस कार्यक्रम के दौरान आखिर में हम इस सवाल का जो जवाब आपके द्वारा भेजा जाएगा उसको हम आप सभी के साथ साझा भी करेंगे। चलिए लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और हमारे जो खास मेहमान आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शालिनी यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है मैम आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है हुकुम सिंह जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा जल्दी से मैं सवाल आपसे ही करना चाहूंगा कि नमो के बाद अब मनो की बारी और 75 पार का लक्ष्य किस आधार पर और क्यों 75 ही? भाटी जी मेरे से सवाल क्या जी दोबारा बोलिए कि 75 पार का लक्ष्य आपने रखा, आधार क्या और सिर्फ 75 ही क्यों? नमो के बाद अब मनो की बारी, बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे थे, बड़े बड़े चेहरों को चुंबकीय आकर्षण के जरिए अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश थी ताकि ग्राउंड पर जनता का एक जो रुझान होता है ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहने का, तो सीधे सीधे ऐसे बड़े चेहरों को आप अपने अपने साथ जोड़ लिया ताकि जनता भी अपने साथ खींची चली आए? जी देखिए, क्योंकि अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए तो केंद्र सरकार की जो रीति नीति उससे प्रभावित होकर के भी बहुत सारे लोग भाजपा में उस समय भी आए थे। और आज क्योंकि हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए वो पिछले 50 सालों में नहीं हुए, आज जनता की स्वीकार्यता उन्हें मिली है। और जो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में लगा लीजिए, चाहे रोड, पानी, शिवर, महिला सशक्तिकरण, किसी भी क्षेत्र में आप लगाइए, एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में हुआ। एक बहुत बड़ी बात सुविंद्र जी जो जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करती है
वो है पारदर्शी तरीके से रोजगार, जो हरियाणा प्रदेश में 70,000 वैकेंसीज को पारदर्शी तरीके से भरा गया, उसमें गरीब का, पटरी वाले का, रेहड़ी वाले का, एक आम सामान्य परिवार का बच्चा भी जो अपॉइंट होकर नियुक्त होकर के आया है, उससे एक युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी स्वीकार्यता बनी। उसके अलावा जो चारों तरफ काम हुए हैं वो जनता ने देखे हैं, जो 50 साल में नहीं हुए आज हुए, इसलिए स्वीकार्यता बढ़ी है और इसीलिए ये आकर्षण भी है और लोग भाजपा की रीति नीति को मान करके, एक अच्छे काम को देख करके वो भाजपा में आ रहे हैं। नहीं तो अभी तक आप ये देख रहे हैं कि लोकसभा के अंदर जो इम्पैक्ट नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके सब व्यक्तित्व को लेकर देखने को मिला था लोगों के बीच में, क्या उसका बेनिफिट विधानसभा चुनाव में भी आपको मिलेगा? और क्या आप ये मान रहे हैं कि नमो के बाद मनो की बारी और इसलिए मनोहर लाल को भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आगे? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए उसका एक दूरगामी परिणाम पूरे देश में है, हरियाणा प्रदेश में भी है। उसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हुए, वो सारी योजनाएं जो केंद्र की थी उन सबको बढ़ाने का काम किया, एक बहुत बड़ा काम है। एक उदाहरण छोटा सा मैं सुभेंद्र जी बताना चाहूंगा कि जैसे ही मध्य प्रदेश राजस्थान में सरकार बदली तो किसान सम्मान राशि थी वहां किसानों को मिली नहीं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। हरियाणा प्रदेश में केंद्र की सारी योजनाओं को बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जैसे मैंने कहा पारदर्शी तरीके से नौकरी की व्यवस्था, सड़क, पानी, सीवर, ये तो स्टेट मैटर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम हरियाणा प्रदेश में हुआ है और बिल्कुल स्वतः तौर से मनोहर लाल जी का भी एक बहुत बड़ा आकर्षण हरियाणा प्रदेश में है और उनका भी नेतृत्व आज पूरे प्रदेश में स्वीकार्य है और भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ही चुनाव में हम उतरने जा रहे हैं। नहीं तो बार बार ये कहा जा रहा है कि चुंबकीय आकर्षण आप दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चेहरों को अपनी तरफ लाने का मकसद इसमें? नहीं, मकसद देखिए, मकसद जो बड़े चेहरों को लाने का मकसद नहीं है, बड़े चेहरों को आने का मकसद है। उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो उनको बहुत अच्छे लगे, उनकी स्वीकार्यता मिली, जनता की स्वीकार्यता मिली और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकार कर किया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लाए अच्छा, नहीं जा रहे, वो आ रहे हैं, बड़ा फैसला 370 को लेकर लिया गया सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। क्या आपको लगता है कि उसके बाद से अपने आप में जो विपक्षी खेमे के कई बड़े नेता हैं वो अपने आप इस स्टैंड के बाद से बीजेपी के साथ हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी इस चीज को लेकर विरोधाभास नजर आता है, गुट नजर आते हैं इसको लेकर भी, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद ये सिलसिला बढ़ा है? भाटी जी देखिए, अपोजिशन का तो जहां तक अगर आप जिक्र करेंगे तो अपोजिशन नाम की कोई चीज हरियाणा में रह नहीं गई है, और दूसरी बात अपोजिशन ने एक सकारात्मक राजनीति जो करनी चाहिए, जो जनता उम्मीद करती है, उनसे उन्होंने कभी की नहीं। उसका एक उदाहरण मैं बता सकता हूं कि लोकसभा में, चलिए अब तो इनेलो टूट गई, जेजेपी उससे अलग होगी, इनेलो के नेता भी, कांग्रेस के नेता भी और अपोजिशन लीडर सवाल उछालते थे और सवाल जब सुनने के लिए, सुनाने के लिए, उनका जवाब देने के लिए कंसर्न मंत्री या मुख्यमंत्री जी खड़े होते थे तो वॉकआउट करके चले जाते थे। क्या ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स है? आईएनएलडी बार बार ये सवाल उठाती है बीजेपी के ऊपर कि आप दबाव बनाकर ही उनके नेताओं को या फिर दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ऐसा आप एक भी उदाहरण आप प्रदेश में नहीं दे सकते कि कोई उनके ऊपर दबाव बनाया हो, ये बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तो खाली कर दिया आपने। नहीं, खाली तो जब जब उनको वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर पार्टियां टूटने के कगार पर है, आज कांग्रेस के हिस्से होने वाले हो रहे हैं, INLD टूट चुकी है और दूसरी और पार्टी कहीं धरातल पर नहीं है, तो वहां उनके पास कुछ है नहीं। और आज देश में अगर किसी को सेवा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मंच हो नहीं सकता, कि विपक्ष नहीं है, इसलिए आप 75 पार का लक्ष्य आप पूरा करते, आपको लग रहा है कि ये पूरा लक्ष्य पूरा होगा? बिल्कुल, हम 75 पार जो हमारा लक्ष्य है, हम 75 से ऊपर जाएंगे और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य लिया है और हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, बिल्कुल ये हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है और उन पर खरा उतरेंगे। और उसके लिए हमने योगेश कौशिक जी लेवल पर काम, योगेश कौशिक जी, विपक्ष कमजोर है, बार बार हम इस बात को इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपने आप में चिंताजनक है। दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल रहा करता था, जो कि अब उसका तमगा छिन चुका है,
उसमें से अलग पार्टी हो चुकी है, जजपा अलग बन चुकी है, और साथ ही साथ जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया था यानी कि आरएलडी का साथ जो बीएसपी का गठबंधन था वो भी टूट गया, तो कहीं ना कहीं हाशिए पर आ चुकी कहीं ना कहीं आरएलडी को ये विपक्ष। जब एक हम पूरे विपक्ष को लेकर हम जब बात करते हैं और जिस तरीके से वो नजर आता है दिखता है, क्या ये लगता है कि बीजेपी का रास्ता आसान हो रहा है? जो आपने लास्ट में कहा है इसका बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन ये मैं भाटी जी से इस बात से सहमत हूँ हरियाणा के मामले में खास तौर पे कि हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज नजर नहीं आती और आती ही नहीं कह रहा मैं। इसको आप 5 साल के उस पूरे की पूरी हिस्ट्री को चेक करोगे तो आप मान के चलिएगा 5 साल तक विपक्ष का कभी कोई काम नहीं किया गया और ना एक पॉजिटिव जो होता है अपोजिशन वो था। इसी वजह से एक्चुअल अपोजिशन कौन था? इनेलो। इनेलो का क्या हाल हुआ सबने देख लिया। इनेलो ने कभी भी ये सोच के बात नहीं की कि रूलिंग पार्टी भाजपा है तो सवाल भाजपा से करें हम या भाजपा के समक्ष रखें हम कि जी ये समस्याएं हैं जो पॉजिटिव राजनीति की हम बात कर रहे हैं। तो ये ना करके उन्होंने विधानसभा के अंदर कांग्रेस को अटैक किया कि हुड्डा जी के ऊपर मुकदमे चलवाइए, कर्ण दलाल से वो आमने सामने हो गए, आपने अभय सिंह चौटाला जी ठीक है जी बॉक्सिंग रिंग में आ जाओ, इस तरीके की राजनीति जो हुई है उससे मैं 100% सहमत हूं कि कहीं पे भी उन्होंने पब्लिक की बात की ही नहीं, एक पर्सनल लड़ाई वो उनकी होती हुई नजर आई थी। उसका नतीजा क्या हुआ? इनेलो टूट गई। इनेलो टूट गई जिसे हम विपक्ष कह रहे थे। अब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस दिखाई तो इसका इस सबसे बीजेपी का क्या लेना देना है? मैं बीजेपी के लिए तो रास्ता और क्लियर हो रहा है। विपक्ष आपस में टूट रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो जैसे ही वो टूटी, टूटने के बाद कांग्रेस की और बड़ी समस्या देखिए आप, कि किरण चौधरी जी आपने अपने लीडर ऑफ द हाउस बनाया हुआ था उन्हें जब आप थे तो चाहे दूसरे तीसरे नंबर पे थे, उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि जी मुझे नाउ लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझे आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन फिर जो भाटी जी कह रहे हैं कि अपोजिशन नाम की चीज नहीं है, जहां कांग्रेस को अब आखिरी मीटिंग के अंदर विधानसभा की मीटिंग में ये डिसाइड करना था, मैं यहीं पे बोल के गया था कि एटलीस्ट आप कांग्रेस एटलीस्ट ये नजर आता जनता के बीच में कि हां भाई कांग्रेस का वैसे चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो लेकिन सबके सब लोग एक हैं, लेकिन वो नहीं थे, इसीलिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट खाली रही विधानसभा के अंदर। इसका मतलब ये है कि उनकी लड़ाई तो इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि शायद वो टिकटों के बंटवारे पे या जैसा भाटी जी कह रहे हैं मुझे लगता है कहीं टूट ना जाए 18 तारीख को पार्टी। ठीक है, तो अब और आगे बात बढ़ करते हैं हम। अब जेजेपी नई हो गई है, ठीक है हम उस पर भी आएंगे, लेकिन नहीं, एक आप और उसका भी जिक्र कर 18 तारीख का जिक्र किया, जरा पहले उस पर ही आ जाते हैं कि 18 तारीख को ऐसा क्या होने जा रहा है, क्योंकि बार बार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 18 तारीख को कुछ होगा, 18 तारीख को कुछ होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक नई पार्टी लेकर आएंगे, इस बात की कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि एक सच बता देता हूं मैं, लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ये सच है, आप अपने सूत्रों से पता करा लीजिए, पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हुड्डा जी की पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं 2 बार अंडरलाइन कर देता हूं इसको। सिर्फ और सिर्फ वो मौके को देख रहे हैं, वो उनकी लड़ाई ये नहीं है कि तंवर को हटाया जाए, उनकी लड़ाई ये तंवर को तो हटाया ही जाए और मेरा बनाया जाए, ये लड़ाई उनकी तब से चल रही है जब से तंवर जी को बनाया गया। अगर किसी पार्टी में ये लड़ाइयां चलती हैं तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती, उसके बाद दूसरी लड़ाई भी हुड्डा जी की है। ओके, उन्हें तो हटाया ही जाए, किरण चौधरी हो गई, रणबीर सुरजेवाला हो गया, या तो कांग्रेस में तो सारे के सारे नेता हैं, यहां की प्रॉब्लम यही हो गई, कांग्रेस के अंदर जहां पे वर्कर हुआ करता था, वर्कर खत्म होके सारे लीडर हो गए और वो लीडर आपस में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो मैं कह रहा हूं 18 तारीख को, वो एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होती है राजनीति में, वो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स के तहत अपना मैसेज जो भी आगे देना चाहते हैं। कुकर में कितनी गैस बन चुकी है अब तक? सीटी बजेगी या फिर कुछ अलग हो जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से ये है कि 18 से पहले कुछ ना कुछ शायद या तो हाई कमान कुछ ना कुछ उनको समझाएगी, अगर वो नहीं समझे तो 99% मेरा मानना है कि हुड्डा जी नई पार्टी का अपना ऐलान करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज जोड़ देता हूं, इतिहास इस चीज का गवाह है, कांग्रेस जो छोड़ के गया है उसका क्या हाल हुआ है और फिर बाद में वापस कांग्रेस में लौट के आया है। हालांकि ये आज के दिन वो कांग्रेस नहीं है जिसको मैं छोड़ के जाने की बात कर रहा हूं। तो यही वजह है कि बीजेपी
राजनीति परसेप्शन पे होती है। बीजेपी एक उभरती हुई पार्टी नजर आती है और बाकी की पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, इनेलो तो टूटी गई है और कांग्रेस जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है, और आप पार्टी या जो अपना ये जो बीएसपी जो है इनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। अभी एक चुनाव और भी लड़ेंगे, योगेंद्र यादव जी की पार्टी भी लड़ेगी, उनका कोई वजूद नहीं है, वो 2-3-4% जो भी एक इंडिविजुअल को जिसको टिकट देंगे उसकी जो हैसियत है वो उतनी ही वोट ले पाएंगे, वरना वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बट हाँ ये तय है, जिसकी बीजेपी मास्टर है, जो 75 पार की ये बात कर रहे हैं, बीजेपी इस चीज की मास्टर है कि वो दूसरी पार्टियों से ऐसे कैंडिडेट खड़े करा सकती है जिनसे उनको फायदा होगा, ये इस चीज के मास्टर हैं। ये यहां सिर्फ हरियाणा में नहीं, गुजरात में ऐसा करते रहे हैं और ये राजनीति का हिस्सा है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, करनी चाहिए राजनीति अगर आप कर सकते हो तो वो ये इस चीज के मास्टर हैं, इसलिए 75 की बात करते हैं कि जैसे ये 2-3 पार्टियां खड़ी होती हैं। नहीं तो विपक्ष वैसे भी है नहीं ना, तो 75 पार तो अपने आप होना है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, देखो अभी हम ये बात, हमें ये कह देना कि हाँ 75 हो जाएंगे, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जब चुनाव होगा, जब कैंडिडेट सामने आएंगे, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया पार्लियामेंट, उन्होंने तो 300 सीटें अपने लक्ष्य को पार कर लिया, लेकिन जहां जहां स्टेट साथ में लड़ रहे थे वो वहां स्टेट में बिल्कुल हार गए, चाहे वो आसाम वहां का पटनायक जी ने चुनाव जीता, एक इधर आके आंध्रा में वो जो है वो जीते, तेलंगाना में वो जीते, ठीक है। तो आप ये मान के मत चलिए कि विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जा सकता है, वहां कैंडिडेट टू कैंडिडेट फाइट होती है, ठीक है, और उसके अलावा जो मार्जिन होता है वो बड़ा कम होगा, और वो मार्जिन अब एक प्रॉब्लम और जो फेस करने वाले हैं वो यही फेस करने वाले हैं कि जो कांग्रेस में कभी हुआ करता था कि लीडर ज्यादा वर्कर कम, वो शायद इनके यहां पे ना हो जाए। तो शायद सारे नेता अब्दुल्ला ली हैं, यही एक कारण है। ये नहीं, देखो ये हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बुला लिया, ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है जब भी कभी पार्टी बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम होती होगी। ऐसे ऐसे लोग इनके पास वापस आ गए हैं जो बीजेपी में इनके खिलाफ चुनाव लड़े पिछला, और अब की बार फिर वो वापस आ गए बीजेपी में, उससे पहले कांग्रेस का हाथ छाप के घूम रहे थे, उसके बाद समाज सेवी के भी बोर्ड लगाए उन्होंने, बट अल्टीमेटली उन्हें लगा कि नहीं ये अब मेरे ख्याल में अब यही ठीक है। ठीक है, तो वो परसेप्शन की राजनीति बहुत खूबसूरती से बीजेपी कर रही है, जिसकी वजह से लोगों का, आम लोगों का रुझान उधर बन रहा है। ठीक है शालिनी जी, एक सवाल यहाँ ये कि अब ये बार बार कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव तो नहीं है, विधानसभा के अंदर परिस्थितियां अलग होंगी, तो हम जब कह रहे थे कि लोकसभा के लिए नमो बार बार एक चेहरा रहा, तो विधानसभा के अंदर जब यदि मनु को आगे कर दिया तो क्या मनोहर लाल की वो छवि है प्रदेश के अंदर कि जनता वाकई में भरोसा कर सके, उनके ऊपर एतबार कर सके, जो भरोसा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर किया गया देश की जनता के द्वारा, हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी मनोहर लाल के चेहरे पर वो भरोसा? देखिए शुभेंदु जी, मनोहर लाल जी की जो छवि है वो नरेंद्र मोदी जी की छवि से बिल्कुल अलग है, उनका एक अपना स्टैंड है, उनकी एक अपनी पोजीशन है। दूसरा, जिस तरह की मैं हमेशा बात करती हूँ कि सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन या जिस तरह का एक प्रोपोगंडा जो बीजेपी जिसकी माहिर है वो करने में, जिस तरह से एक मोदी जी की इमेज बनाई गई है, उतना एफर्ट उन्होंने मनोहर लाल जी की इमेज बनाने में हरियाणा में नहीं डाला है। इस इलेक्शन में क्या वो डालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पिछले मनोहर लाल जी के कार्यकाल में उनके ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं। जाट आंदोलन हुआ है, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त हरियाणा में, अराजकता बहुत बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मुद्दे हैं जो उनके सामने आएंगे। स्टूडेंट्स के खिलाफ भी डंडे वगैरह बरसाए गए हैं काफ़ी ऐसी गैदरिंग्स में, तो काफ़ी कुछ है जो ऐसा नहीं है कि जनता को, जिसके लिए जनता के मन में कुछ, जनता रुष्ट ना हो, है ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी अपना अगर चाह रही है कि वो मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट लेगी तो कोशिश तो उनकी पूरी रहेगी। आर्टिकल 370 अभी हटाने का जो नया नया जुनून है, जो नया नया जोश है, उसमें ये डेफिनेटली है कि बीजेपी की इमेज को फिर से एक पॉजिटिव स्पर्ट, एक ऊपरी रुझान मिला है, उसका फायदा ये लोग उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे भी भाई साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नए लोग जो आएंगे उनको ये कैसे मैनेज करेंगे, और 75 तक का गोल जो इनका है, क्या वो ये उसको
हासिल कर पाएंगे कि नहीं, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है ठीक कि है जनता इस वक्त क्या परसीव कर रही है। और मैं जरा रिएक्शन लेता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जिस तेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि जो जितने भी दूसरे दल हैं या फिर कांग्रेस भी सही, कांग्रेस के अंदर बार बार ही कहा जा रहा है, ये सवाल यहां पर भी उठ रहा है कि कांग्रेस की जो फूट है या फिर विपक्ष की आपस में जो टकराव है, जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर रही है? देखिए, 18 तारीख को हमारी रोहतक के अंदर महापरिवर्तन रैली होने जा रही है। 18 तारीख को हम पूरे हरियाणा के लोगों को ये दिखा देंगे कि हमारा बहुत बड़ा बेस है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के हर कोने से लोग आएंगे, और जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल की रैली होती थी उनसे भी बड़ी रैली होगी। अच्छा, मैं कृष्णमूर्ति जी, मैं जरा एक सवाल आपसे शुरुआत में ही पूछना चाह रहा हूं इस पर कि हमारे का मतलब क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही बात है। नहीं, यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी से आज की तारीख में अलग नहीं है। नहीं, क्या ये कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी, ये रैली होगी? कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी और निश्चित तौर पे हम यहाँ पूरे हरियाणा के कांग्रेस जन इकट्ठे होंगे, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। हुड्डा जी, योगेश कौशिक बोल रहा हूँ, मेरा पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं एज ए विश्लेषक बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा छोटा सा सवाल है, जरा उसका जवाब दें मुझे। क्या ये परिवर्तन रैली या महापरिवर्तन रैली जो आप नाम दे रहे हैं जिसे, वो अध्यक्ष हरियाणा मिस्टर तंवर ने बुलाई है या वो आएंगे उसमें? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, इसके अध्यक्ष जो है अशोक तंवर जी मेंबर है जी, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के नाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई है। ओके, अभी 10 मिनट पहले वो मेरे घर पे थे जी, हमने रैली के बारे में खूब चर्चा की है जी। मेरे साथ सुभाष मित्रा जी, एक्स मिनिस्टर संत कुमार जी, एक्स एमएलए, सारे लोग हमारे अभी चर्चा करके गए 1.5 घंटा चौधरी। ठीक है, तो सर मैं मान के चल रहा हूँ आप बहुत अच्छी रैली करेंगे, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, उसको आपने जवाब सीधा नहीं दिया कि क्या तंवर जी आएंगे? हमने पूरे हरियाणा के लोगों को बुलाया है, किसी व्यक्ति विशेष को? सर वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप 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 देखिए देखिए प्लीज आप सीधा जाओ। अशोक तंवर जी आएंगे तो उनका स्वागत है। आएंगे या नहीं, यानी कि उनको बुलाया गया है, आपके द्वारा बुलाया गया? हमने एक अपील जारी की है हर आदमी को, हालांकि बुलाने का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है। तो ये हम मैं इसलिए आपसे शुरुआत में यही पूछा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, हमारा मतलब क्या कांग्रेस पार्टी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा? एग्जैक्टली, देखिए वो समन्वय समिति के चेयरमैन और डॉक्टर अशोक तंवर ने खुद माना कि वो भाई मेरे से भी ऊपर है, तो उन्होंने एज ए कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते। अच्छा, मैं एक सीधा सीधा सा सर एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ, मैं घुमा फिरा कर नहीं पूछना चाह रहा। ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 18 तारीख को अपनी पार्टी का, नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, 18 तारीख को बहुत बड़ा धमाका होगा। किस रूप में सर? हरियाणा के अंदर आम आदमी बहुत हैरान होगा और आम आदमी के अंदर खुशी की लहर भी होगी। हुड्डा जी, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है, और मैं अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया, मैं उसी पे पूछूंगी। आपने कहा कि आज की तारीख में हुड्डा कांग्रेस से अलग नहीं है, क्या ये आने वाले समय के बारे में कुछ कह रहा है, ये कुछ संकेत है कि आज के दिन 18 तारीख को हम अपने पत्ते खोलेंगे? उड़ा जी, 18 से पहले ना मैं कह सकता, ना मैं अधिकृत हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह, अच्छा, आलाकमान से अभी इस बारे में कोई बातचीत हो पाई है 18 तारीख की रैली को लेकर? खूब बातचीत हुई है मेरी, चौधरी संत कुमार की और सुभाष मित्रा जी जो एक्स होम मिनिस्टर है, हम सब लोग। तो क्या आलाकमान से कोई नेता इस रैली को गाइड कर रहे हैं या इस बारे में आपने बुलाया है या किसी तरीके से कोई संपर्क? देखिए, ना तो पहले हमने कभी आलाकमान के किसी नेता को बुलाया, हमारी जनजागरण अभियान चल रहा था, और ना इस रैली में किसी को बुलाएंगे। मकसद क्या है फिर, मतलब इसका? प्योरली हरियाणा के लोगों की रैली है। मतलब इसका क्या समझे सर? भविष्य का, हरियाणा के अच्छे भविष्य के लिए
हम ये रैली करने जा रहे हैं। नहीं उड़ा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और है जी। जो आपका पार्लियामेंट का चुनाव था, पार्लियामेंट का जो चुनाव था उसमें आखिरी दिन, लगभग आखिरी दिन रोहतक के अंदर अपने पीएम की रैली थी और दूसरी साइड गोहाना के अंदर आप लोगों की रैली थी, मतलब हुड्डा जी की, आपकी बिल्कुल। आपकी रैली बहुत बड़ी रैली थी, उनकी रैली उसके मुकाबले में बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सारे के सारे चुनाव हार गए, तो क्या आप जनता की नब्ज को अब पकड़ पाए हैं कि या सिर्फ रैली करके प्रेशर अपने हाईकमान पे बना के कुछ चाहते हैं उनसे? देखिए उस दिन हम इस प्रकार का प्रोग्राम बनाएंगे कि आम हरियाणा के आदमी हमें पसंद करेगा, और वो रैली थी प्रधानमंत्री का इलेक्शन था, ये इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर का, उसमें दिन रात का फर्क है, और अब हम आप दिखाएंगे कि हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की वापसी कैसे होगी, ये हम 18 को घोषणा करेंगे। कांग्रेस की या हुड्डा जी की? बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जरा बहुत सारे सवाल हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनावी दंगल है वो अब आसान हो चुका है, क्योंकि विपक्षी खेमा आपस में टकरा रहा है, और दूसरी तरफ इंतजार 18 तारीख का भी है जब ये कहा जा रहा है और जो चर्चाएं चल रही हैं कि एक नई पार्टी का उदय होगा, क्या वो पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी, ये देखना होगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, जरा चर्चा को एक बार फिर से जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, और सभी तीन खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अब इस पर हुकुम सिंह जी, ये जो नई चर्चाएं चल रही हैं नई पार्टी को लेकर, 18 तारीख का इंतजार तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी कर रहे होंगे, आलाकमान को भी ये होगा कि आखिर उस वक्त क्या निर्णय लेना है, क्योंकि जिस रैली को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये रैली है, लेकिन चेहरा तो एक ही आगे है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या, क्योंकि इससे पहले भी हम एक कार्यक्रम के जरिए इसी जगह पर चर्चा कर रहे थे कि उस के लिए जो बैनर और पोस्टर तैयार किए गए हैं उसमें कोई बड़ा चेहरा उसमें नजर नहीं आता है, प्रदेश स्तर का कोई चेहरा नजर नहीं आता है, सिर्फ अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक और विकल्प के तौर पर जनता के सामने एक नई पार्टी का उदय हम ये मान सकते हैं, एक ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, यदि ऐसा होता है तो महागठबंधन को लेकर बार बार ये चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जसपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है, तो क्या जो थर्ड फ्रंट हरियाणा के अंदर बनने की तैयारी में है या ऐसा हो सकता है, तो क्या उससे कुछ बीजेपी को नुकसान होगा, या 75+ का जो नारा बार बार दे रहे हैं, ये टारगेट लगाकर आप चल रहे हैं, उसको कोई नुकसान? सोनी जी देखिए, हरियाणा में नंबर एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो 75 का नारा है वो कोई ऐसे कोई ख्याली पुलाव नहीं है, वो बड़ा आंकड़ों पर आधारित है। वो आंकड़ों पर आधारित कैसे है कि हमने अभी पार्लियामेंट में जो विधानसभाएं जीती हैं उनको लेकर के ये आंकड़ा हमारा है, और उस पर काम किया है, काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मान लिया अभी आपने कहा 18 तारीख को हुड्डा जी एक रैली कर रहे हैं, वो एक नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, सोचेंगे बनाएंगे, इस बात से भाजपा को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कहते हैं अपोजिशन कुछ भी करता रहे। दूसरी बात, मान लिया वो महागठबंधन की बातें करते हैं, ये महागठबंधन नहीं है, ये भाजपा के खिलाफ एक लॉबिंग करना चाहते हैं, इनकी और कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे को गाली देते रहे, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, इसलिए इनका महागठबंधन जनता कैसा एक्सेप्ट करेगी, ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक चीज सुनिए कि अभी एक बात आई थी, शायद हमारी बहन कह रही थी या योगेश जी ने कहा कि जो लोकसभा का चुनाव था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनके उनके नेतृत्व में सारा लड़ा गया, और हरियाणा प्रदेश में जो ये चुनाव है ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, मनोहर लाल जी का नेतृत्व को एक्सेप्टेंस हरियाणा में ऑलरेडी मिल चुकी है। कैसे मिल चुकी है? 5 नगर निगम के चुनाव हमने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीते,
जींद का चुनाव जो पूरे देश के लिए एक, बहुत मैं इसमें बड़ा चीज छोड़ना चाहता हूँ, चुनाव था हुकुम सिंह जी, मैं चीज छोड़ना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हैं, जब आप ये मानकर चलते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि नगर पालिका या फिर निगम के जो चुनाव है वो विधानसभा से अलग है? आप उसको भी उससे अलग, देखिए जीत आपने बेशक दर्ज की है, लेकिन विधानसभा के चुनाव होना और वहां पर जीत हासिल करना, क्योंकि इससे पहले योगेश जी इस बात को कह चुके हैं कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त कई ऐसी विधानसभाएं थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हारा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि जब आप केंद्र में जीत रहे हैं तो आप प्रदेश में हार रहे हैं। और इससे पहले भी यही देखा गया था कि जब आपने 2014 में चुनाव जीता तो उसके बाद कई ऐसी सीट थी जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे जिन राज्यों के अंदर, तो वहां पर भी आपको हार मिली थी। तो ये आप जब विधानसभा की परिस्थितियां होती हैं तो वो अलग नजर आती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आप जब कह रहे हैं कि 75 प्लस, आप कह रहे हैं कि हम टेक्निकली इस पर काम कर रहे थे, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे और उसके बाद जो उसके परिणाम सामने आए उसके आधार पर हमने ये 75 प्लस का नारा दिया, लेकिन आप जो 75 सीटें आप जोड़ रहे हैं और उसके अलावा बची हुई जितनी सीटें आप हार रहे हैं, कौन सी सीट आपको लग रहा है कि क्रिटिकल है? सुनिए सोहन जी, देखिए नंबर एक बात तो ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने कहा कि नगर निगम अलग है और विधानसभा लोकसभा अलग है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो हमने विधानसभा का जींद का चुनाव जीता जिसमें पूरे के पूरे अपोजिशन जो है हमारे खिलाफ आके होगी, जात का क्षेत्र का सारे नारे तो इन लोगों ने मारे थे, वो किसके नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में था, इसलिए इस बात में कहीं संशय नहीं है। दूसरी बात, ये जो 75 का आंकड़ा है, ऐसा नहीं है कि हमने कहा 75 बाकी सीटें हम हार रहे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बाकी सीटें हार नहीं रहे हमने, लेकिन एक 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 पार्टी ने एक आंकड़ा लिया है कि हमने इस बार 75 सीटें जीतनी ही जीतनी है, बाकी पर हमारा कोई ये थोड़ा उनका नहीं, फोकस नहीं है, बाकी सीटों कहते जीतनी उन पर भी जीतनी फोकस है, पूरा उनको भी जीतना है हमने, ऐसा नहीं है कि हुकुम सिंह जी, जब आप ये कहते हैं कि जीतनी ही जीतनी है तो मतलब साम दाम दंड भेद यानी कि किसी भी तरीके से जीतनी है? नहीं सुनिए जरा, ये बात मैं एक आपको बता दूं, जितने भी आप चुनाव देख लीजिए, कोई भी चुनाव, 2014 का चुनाव, 19 का चुनाव, लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, कभी भी भाजपा ने किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हम जो कहते हैं वो संगठन के आधार पर कहते हैं, जहां हमारी सरकार इतनी एक्टिव रही चाहे केंद्र में, मैं जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन विपक्ष बार बार इस बात को लेकर उठाता रहा सरकार की रीति और नीति के अंदर क्या होता है, जनता तक ले जाने का काम तो हमारा संगठन कर रहा है, रोहतक के अंदर क्या होता है मैं इस बात का हालांकि जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बार बार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जाता रहा कि आखिर क्या हो रहा था जब राज्य मंत्री के द्वारा वहां पर अपने एक साथी के साथ पहुंच जाते हैं और ये कहा जाता है गैंगस्टर, बिल्कुल उनके साथ थे, लेकिन तो ये सवाल है, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता योगी जी, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं, देखिए एक ही मिनट में अपना जवाब पूरा कर दूं कि झूठी उंगली उठाना तो कोई किसी के ऊपर भी उठा ले, पहुंच जाते हैं, हमारे कहां गए थे, रोहतक में गए ना, रोहतक के प्रभारी थे चुनाव के, वो पूरा चुनाव मनीष ग्रोवर जी के, ग्रोवर जी वो रोहतक का देख रहे थे, चुनाव देख रहे थे, तो जा रहे हैं उनको किसी एक उससे जोड़ देना, वो बूथों का काम, बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता थे वो लेके गए, आपकी सरकार ने एफआईआर लॉन्च की है, सुनिए एफआईआर लॉन्च हो जाना एक अलग बात है, हम बात कर रहे हैं एफआईआर कौन सी प्रूव होगी है, लेकिन इससे जो है ना ये उंगली उठा दे, इसका मतलब आपकी सरकार गलत काम कर रही है अपने मंत्री के खिलाफ, चलो मान लेते हैं। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा था, जैसे हुकुम सिंह जी ने कहा, भाटी जी ने, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं एक एक चुनाव की बात करता हूं और मैं आंकड़ों के हिसाब से बात किया करता हूं। जींद का चुनाव इन्होंने लड़ा, इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं था, वो सीट इनेलो की हुआ करती थी अक्सर, और इन्होंने इनेलो का कैंडिडेट लेके लड़ाया, नंबर वन। नंबर टू, इनेलो के कैंडिडेट को लड़ाने के बाद अपोजिशन ने फिर गलती की वहां पे, मैं ईमानदारी की बात करता हूं, ये कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की, वो हारते जीते अलग बात थी, ठीक है, वो उन्होंने एक भारी चूक भारी हुई उनसे और वो हारे, ठीक है, ये तो था जींद का चुनाव, इनका अपना कैंडिडेट किसी को लड़ाते क्योंकि इनके पास तो कमी है नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, जो ये हम बात कर रहे हैं जो काउंसलर वगैरह के जो चुनाव हुए, गुड़गांव के अंदर चुनाव हुआ काउंसलर का, बीजेपी हारी, ये उस पर लड़े थे, सिंबल पर लड़े थे, बाकी कोई सिंबल पर नहीं लड़ा था। और उसके बाद जैसे कांग्रेस में जो हम फूट की बात कर रहे हैं और पार्टियों में फूट की बात कर रहे हैं, तो यहां जो विधानसभा में फूट जो शुरू होने वाली है वो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे एक मेयर बनता है, एक डिप्टी मेयर बनता है और सीनियर डिप्टी मेयर बनता है भाजपा से अलग, और उसमें
इनके कैंडिडेट जितने जीते हुए थे उतनी वोट भी सीनियर डिप्टी मेयर में बीजेपी के सो कॉल्ड कैंडिडेट को नहीं मिलती है। तो फूट हर जगह होती है और ये होंगी, अभी सामने आएंगी ये चीजें। अब तीसरी बात मनोहर लाल जी के बारे में, मैं ईमानदारी से मैं पहले भी कह चुका हूं, परसेप्शन नहीं है, ये आज तक का एक सच है कि उनकी छवि को एक ईमानदार नेता की छवि के रूप में देखा जा रहा है। बट ईमानदारी के साथ साथ लोग रिजल्ट देखते हैं। मैडम ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल जी के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लोग इतनी जल्दी भूलते नहीं है, लोग इतनी जल्दी भूले नहीं है। आप लोगों ने जो जो पुरानी बातें की थी, क्या वो सारी की सारी पूरी हो गई है? आपने पिछली बार एक क्वेश्चन पेपर सेट किया अपने लिए कि हम ये काम करेंगे, आपने वो ना करके कुछ और आप गिनाने लग जाते हैं आज, ठीक है। लेकिन जनता के पास जो परेशानियां हैं वो हैं इतनी, विधानसभा में या हर विधानसभा में ये 51% नहीं है, चाहे ये, और विधानसभा के जब अब चुनाव होंगे तो इंडिविजुअल कैंडिडेट भी अपना दम रखेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, और चुनाव आ लेने दो आप पहले, उसके बाद कैंडिडेट खड़े हो लेने दो आप। इसी हमने यही एनालाइज किया था, और मैं यहां पे कांग्रेस की 15 बोल के गया था और वो 15 ही आई थी, ठीक है। उससे पहले मैंने बीजेपी की भी बोली थी, मैंने 45 प्लस माइनस 5 बोली थी और वो माइनस 5 होने वाली थी। लेकिन वो जो बाबा के पास ये सारे के सारे लोग चले गए थे मंत्री के पास, ये केन पर केन सरकार बनाते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूं, मैं सहमत हूं। अगर ये मना करना चाहे करें, ये बाबा के पास गए थे या नहीं गए थे, 50 लाख का चेक दिया था या नहीं दिया था? नहीं तो अभी भी कुछ है, नहीं अभी भी ये कुछ भी करेंगे, इसमें क्या, देखिए एक तो राजनीति वो है जिससे मैंने कहा जो शिकंजा कस चुका है, क्या उसके बाद अब भी वो प्रभाव है? किसका? बाबा का। देखिए उनका प्रभाव है, उनका आज भी है, और देखिए विधानसभा में जो होता है वो 1000-2000 वोट से बहुत फर्क पड़ जाता है ना, कई सीट पे, एक सीट पे तो 13 वोट से हार जीत का फैसला हुआ था, कई सीटों पे आप 1000 के अंतर से होते हैं, जहां 1000 के अंतर से ऐसी बातें होती हैं वहां पे ऐसे लोग, या जो मैं कह रहा हूं अपनी ही पार्टी वाले लोग हरवाते हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई ना, बट कांग्रेस के अंदर वीरेंद्र सिंह जी को हुड्डा जी ने हरवाया, और वीरेंद्र सिंह जी जाके विधानसभा के चुनाव के बाद जाके हाई कमान के पास रोए के जी मेरे को तो हुड्डा ने हरवा दिया। ऐसा जब पार्टी ओवरलोडेड हो जाती है ना, इतना कुछ हो जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, एक जवाब हम हुकुम जी से लें, लेकिन उससे पहले शालिनी जी, ये ओवरलोडेड वाली जो बात है, जो नेता हैं, अब सभी नेताओं को ले लिया, कार्यकर्ता बहुत कम रह गए, यानी कि अब देखा जाए तो जितने दूसरे दलों के नेता थे उन सबको बीजेपी ने ले लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे स्थिति अब अंदर से फूट फूट करने के लिए बाहर दिखने लगे? देखिए शुभेंदु जी, बहुत सारे लोग जो बीजेपी में गए हैं, चाहे भाटी जी कितना भी कहें कि हम संगठन हैं और हम संगठन की तरह लड़ते हैं, लेकिन जितने भी लोग गए हैं वो बाहर से ही गए हैं और वो नेता ही गए हैं, उनको टिकट्स भी दी गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये कहें कि कार्यकर्ताओं में कहीं भाजपा के अंदर भी उदासीनता या रोष नहीं है, ये कहना गलत होगा। वो अभी शायद बाहर आने नहीं लगा है, वो बात अलग है, कितना आता है, कितना कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए इस वक्त वही हाल है कि जैसे एक टाइम पे कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वैसे ही है कि मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। आज वो हाल है, आज भाजपा का सितारा चमक रहा है। 1977 से लेके 2014 तक कोलिशन गवर्नमेंट्स के बाद मैक्सिमम मेजोरिटी से अगर कोई गवर्नमेंट आई है तो इनकी आई है। तो एक सिंगल पार्टी हेजुमनी जो है वो है इस वक्त भाजपा के पास, और लोग जा रहे हैं ये देखते हुए भी, क्योंकि इन्होंने रूरल सेगमेंट में भी, गांव वाले इलाके में भी काफी बढ़त हासिल की है इन टर्म्स ऑफ वोट्स। लेकिन मैं ये चीज फिर कहूंगी कि एक चीज शायद भाजपा नहीं नोटिस कर रही या इस चीज पे अटेंशन नहीं दे रही जो भाटी जी यहां बैठे हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली भी कहूंगी कि जरा ध्यान दीजिएगा कि आपका विमेन का शेयर नहीं बढ़ रहा है और महिलाओं का शेयर आपकी वोटिंग के प्रति, भाजपा के प्रति नहीं बढ़ रहा। लेकिन है। जो स्टेप लिए जा रहे हैं, जैसा 3 तलाक वाला स्टेप है, क्या लोग लग रहा है कि उससे महिलाओं की भूमिका बीजेपी के लिए कुछ बदलेगी? देखिए हम सिर्फ एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम 3 तलाक के बिल की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, वो उसका क्रिमिनलाइजेशन का लेके जहां तक बात होती है। लेकिन ऑफकोर्स ये एक बहुत बढ़िया मूव है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक सेगमेंट के लिए है। लेकिन मैं उसमें एक चीज और जोड़कर देख रहा हूँ कि जो दूसरी महिलाएं भी हैं, क्या वो ये नहीं समझ रही है कि चलिए एक स्टेप तो लिया, तो क्या उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ हो? देखिए शुभेंदु जी, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त है वो है सुरक्षा।
हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर है और इस चीज को लेकर महिलाओं में बहुत रोष है, बहुत घबराहट है और इसीलिए जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, वो उनको ये नहीं सुरक्षित नहीं महसूस करा पा रही। ये बहुत जरूरी चीज है और उसके अलावा जैसे कौशिक जी ने कहा है ये बहुत मायने रखेगा कि कौन कैंडिडेट आगे आता है। इस वक्त भाजपा जब हमने नेशनल इलेक्शंस लड़े तो एक प्लेटफॉर्म पे लड़े थे, कुछ एक इश्यूज पे लड़े थे। अब जब आप विधानसभा इलेक्शंस की बात करेंगे तो वहां लोकल मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप शायद हो सकता है कि विपक्ष का ना होना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एक स्ट्रेंथ दे जाए, ये भी हो सकता है कि लोग अपने चेहरे पे इलेक्शन लड़े क्योंकि लोगों को जब ये लगेगा कि अगर सब लोग एक ही तरफ जा रहे हैं और उधर इतनी टिकट्स मिल रही हैं तो कोई तो हो जो दूसरी तरफ से लड़े। जनता एक अल्टरनेटिव हमेशा ढूंढती है, एक अल्टरनेटिव के लिए हमेशा स्पेस रहे। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि पत्रकार के नाते शायद आप बोलेंगे, इसलिए मैंने वो बात नहीं बोली। एक्चुअली क्या है, भाजपा एक बहुत ही खूबसूरत पार्टी के तौर पे लोगों ने उसको देखा और वो क्यों देखा, क्योंकि इनका जो अपना काम करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, है आज तक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या आने वाली है जो मेरे दिमाग में चल रही है वो कि जो इनका वर्कर है, इनका वर्कर टिकट मांगने वाले कम होते थे, काम करने वाले बहुत ज्यादा होते थे। आरएसएस का पूरा उसी सवाल पर पूरा ग्रुप आरएसएस का जो है उनके या तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जब अगर आपको राजनीति करनी है आरएसएस छोड़ के आप पार्टी ज्वाइन करो, वहां पे काम करो, दो साल उसके बाद आप टिकट की बात करना। तो वो एक बहुत बड़ी जमात है। अब इस जमात के पैरेलल दूसरी जमात एकदम ऐसी आ गई वो जो सिर्फ टिकट के लिए आए हैं। तो मैं ये देखो जो आरएसएस से लोग जुड़े हुए थे, भाटी जी उनसे उनको जानते होंगे, पहचानते होंगे, वो लोग चाहेंगे भाटी जी को चुनाव लड़ाएं। लेकिन जो नया तबका आया है, कांग्रेस का कहो, इनेलो का कहो, किसी और का कहो, या बेवजह कहीं पे कुछ भी नहीं था वो भी आ गया, जी मेरे पास 10 करोड़ रुपया है मैं भी चुनाव लड़ूंगा, जी ऐसे हैं बहुत सारे लोग। ये कौशिक जी पॉइंट मैंने मेंशन किया था जब मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि जब लीडर्स ही लीडर्स आए और जो पुराने कार्यकर्ता है इन दोनों के बीच तो क्या है कि ये दो सेगमेंट बन गए। देखो एक तो आइडियोलॉजिकल सेगमेंट है, आइडियोलॉजिकली मेरा मानना है भाटी जी जैसे लोगों को जो इनके पुराने लोग रहे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए डिमांड होगी, और दूसरे जो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन तो करके आते हैं सब, जो नेगोशिएशन करके आए वो कैसे करोगे, यही सवाल है। जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं भाटी जी से लेना चाहता हूँ। भाटी जी एडजस्ट कैसे करोगे? मैं बहुत जल्दी से, बहुत कम समय, जरा बहुत जल्दी से रिएक्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लियर कट एक स्टेटमेंट भी दी मीडिया के मार्फत कि कोई भी किसी के साथ टिकट का कोई एश्योरेंस। तो क्या जितने बाहर दूसरे दलों के नेता आ रहे हैं, जितने भी नेता आ रहे हैं, क्या उनमें से किसी नेता को टिकट नहीं दी जाएगी? नहीं, क्लियर कर दीजिए ना आज ही, आप मना कर दीजिए कि नहीं देंगे हम उनको टिकट। नहीं नहीं, ये लेकिन उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है, लेकिन मना भी नहीं है। नहीं नहीं, मना नहीं है, इसमें कोई दोहराय नहीं, यानी कि है कमिटमेंट नहीं है, यानी कि उम्मीद है, यानी कि उम्मीद है उसमें तय होगा कि भाई कौन अच्छा जहां है, कौन पर विरोध कम होगा, यानी कि जहां पर विरोध कम होगा वहां पर दूसरे नेताओं को टिकट दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा, मैं भाटी जी माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा, लेकिन जरा आज का सवाल हम आपको दिखा दें। माफी के साथ सर, बहुत बहुत माफी के साथ, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन जरा हम आज का सवाल आपको दिखा दें जो हमने आपके सामने रखा था कि पार्टी में शामिल हो रहे सभी नेताओं को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए क्या आसान होगा। हां में और ना में आपको जवाब देना था और व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजना था। और जरा आज का सवाल का जरा जवाब भी देख लेते हैं कि जवाब क्या आया है। 16% लोगों की तरफ से हां में ये जवाब दिया गया है और 84% लोगों की तरफ से ना में जवाब दिया गया है। तो सीधे तौर पर स्पष्ट है स्थिति और इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई भी स्टैंड ले और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन फिलहाल लोगों का यह मत जरूर स्पष्ट कर रहा है कि एडजस्ट करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।